In this video, you will learn about the mechanism of muscle contraction. Before the study of muscle contraction, first of all, we know about the thick and thin filament because they play a major role in the muscle contraction. First is the thin filament. Thin filament is also known as the actin filament. Actin filament or F actin contain the G actin is known as the globular actin. जो इंडिविजुअल बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डायग्राम में उसको हम लोग जी एक्टिन बोलते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ टू प्रोटीन. द फर्स्ट वन इज ट्रोपोमायोसिन एंड द सेकेंड इज ट्रोपोनिन. ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो कवर करता है एक्टिन के एक्टिव बाइंडिंग साइट को ताकि मायोसिन आके वहाँ पे बाइंड ना कर ले. एंड द सेकेंड इज ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट होते हैं. फर्स्ट इज टीआई. टीआई का मतलब ये होता है जो हमारा एक्टिन के साथ अटैच होता है उसको हम लोग टीआई बोलते हैं. सेकेंड इज टीटी. टीटी का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है. एंड थर्ड इज टीसी जो कि हमारा कैल्शियम के साथ अटैच होता है. एंड द एक्टिन फिलामेंट जो होता है हमारा इसका सरफेस स्मूथ होता है. द नेक्स्ट एंड मेन पॉइंट इज एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है. ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो कवर करता है एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव बाइंडिंग साइट को. द सेकेंड इज द थिक फिलामेंट. द थिक फिलामेंट इज ऑल्सो नोन एज द मायोसिन. द थिक फिलामेंट आर कंपोज ऑफ द मायोसिन विथ ग्लोबुलर हेड्स फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज विथ थिन फिलामेंट. मायोसिन आर कंपोज ऑफ द सिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें कि दो हैवी चेन होती हैं जिसको कि हम लोग टेल बोल रहे हैं. यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखिए एंड हेड जो है उसमें चार लाइट चेन है. मायोसिन का सरफेस रफ होता है और मायोसिन फॉर्म करता है क्रॉस ब्रिज को. मायोसिन क्रॉस ब्रिज इसी वजह से फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट एक थिन फिलामेंट जो होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करता है. थिक फिलामेंट जो होता है उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है बस थिन फिलामेंट का पोजीशन चेंज होता है. और यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में जो मायोसिन होता है वो एटीपी को कंटेन करता है जिससे कि हमारा एक्टिन जो है वो रिलीज होता है. एंड हम दोनों के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. पहले हम डायग्राम ए की बात करते हैं. डायग्राम ए जो है वो रेस्ट के कंडीशन में है. यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो इंडिकेट करती है थिन फिलामेंट को. थिन फिलामेंट बोले तो एक्टिन फिलामेंट जैसा कि पहले मैंने बताया है. दोनों साइड जेड लाइन शो हो रही है उसके बीच में जो गैप है उसको हम लोग सर्कोमियर बोलते हैं. जेड लाइन जो जिग जैग के फॉर्म में है वो आई बैंड को इंडिकेट कर रही है. आई बैंड एक्टिन और थिन फिलामेंट में पाया जाता है. अब हम बात करते हैं रेड लाइन की जो थिक फिलामेंट है या हम उसको मायोसिन भी बोलते हैं जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है. इन बिटवीन द आई बैंड एंड ए बैंड इज सोन. इट इज़ फाउंड इन मायोसिन. द लास्ट इज एम लाइन. एम लाइन ऐसा 2D स्ट्रक्चर में ये सो नहीं होएगा. जब आप 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच में हेड प्रेजेंट नहीं होता है बस टेल वाला पोर्शन होता है उसी को हम लोग एम लाइन बोलते हैं. अब हम बात करते हैं डायग्राम बी के बारे में जिसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. द थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट मूव टुवर्ड द एम लाइन एंड फोर्स इज प्रोड्यूस. इस प्रोसेस के बाद जो आई बैंड का लेंथ है वो तो रिड्यूस हो रहा है बट जो ए बैंड का लेंथ है वो एज इट इज अभी भी सेम वही है जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम ए में आपने देखा था. उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. अगर हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना. बट इन केस ऑफ मसल में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना नहीं होता. मसल में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ओवरलैप करना. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी विच बेस्ट एक्सप्लेन हाउ द कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन वर्क्स टू कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है. इस थ्योरी का नेम स्लाइडिंग थ्योरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्लाइडिंग होता है इन बिटवीन द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट जैसा कि मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी में बताया था. द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बिगिन बाई अ सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस सबसे पहले यहाँ स्टार्ट होता है जबकि हमारा सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल में जाता है। ये जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो मसल फाइबर से कनेक्ट होते हैं। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कट बताई हुई हैं। द मोटर न्यूरॉन विच अ मसल फाइबर कनेक्ट कॉल द मोटर यूनिट। हमारा जो मोटर न्यूरॉन होता है वो जो मसल फाइबर से कनेक्ट होता है उसको हम लोग मोटर यूनिट बोलते हैं। एंड द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सर्कुलेमा ऑफ द मसल फाइबर। सर्कुलेमा यहाँ पे किस चीज़ को बोला जा रहा है? सर्कुलेमा यहाँ पे मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सर्कुलेमा वर्ड से डिनोट किया जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। द गैप बिटवीन द न्यूरोन एंड मसल सेल कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो सिग्नल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मसल में थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। इस प्रोसेस को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं अक्रॉस द साइनेप्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मसल में जाने से पहले ये पहुंचेगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हमारा प्रेजेंट होता है वो मसल फाइबर के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जहाँ से हमारा यहाँ पे हमारा जो नर्व इम्पल्स आएगा उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब एक्शन पोटेंशियल वहाँ से जनरेट होगा तो हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होने लगेगा वहाँ से। जब वो रिलीज होगा तो वो हमारा मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुँचेगा, जिसको कि हम लोग सैक्रोलेमा बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा नर्व इम्पल्स था वो सैक्रोलेमा तक तो आ गया, लेकिन अब मसल के डीप में वो कहाँ से पहुँचेगा? देन इन दिस केस द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलॉन्ग द टी ट्यूब्यूल्स। हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रेवल करेगा टी ट्यूब्यूल्स से। जब एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होगा मसल फाइबर में तो ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करेगा। जब ये कैल्शियम हमारा रिलीज होगा तो ये जो थिन फिलामेंट में बोले तो एक्टिन फिलामेंट में जो हमारा एज अ प्रोटीन ट्रोपोनिन प्रेजेंट था उसमें 3 सब यूनिट थे, तो ये जो कैल्शियम होगा वो हमारा यूनिट सी से जाके बाइंड होगा। जैसे ही ये बाइंड करेगा वैसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो दोनों एज ए प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट थे उसमें कॉन्फिग्रेशनल चेंज होने लगेगा, और इस कॉन्फिग्रेशनल चेंज होने की वजह से जो ट्रोपोमायोसिन कवर किया था एक्टिव बाइंडिंग साइट को वो वहाँ से डिस्प्लेस होके ग्रूव में चला जाएगा। ग्रू मीन्स कि अगर आप लोग एक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो मीन्स कि चेन जो प्रेजेंट थे ट्विस्टेड चेन उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग ग्रू बोलते हैं। ऐसे ही ट्रोपोमायोसिन वहां से डिस्प्लेस करके ग्रू में जाएगा। मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन और थिन फिलामेंट से जाके बाइंड करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है मायोसिन का हेड जो है उसके पास एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होती हैं एज अ रेस्टिंग कंडीशन में। देन ये एक्सपोज करेगा एक्टिव साइट को और क्रॉस ब्रिज का फॉर्म करेगा। जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो एटीपी जो होगा वो चेंज हो जाएगा एटीपी प्लस पीआई बोले तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो मायोसिन से अटैच हमारे एक्टिन फिलामेंट है वो पुल होने लगेंगे टूअर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, जैसा कि मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये सारा समझाया है, आप लोग दोबारा से देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि द थिन और एक्टिन फिलामेंट मूव टूअर्ड द एम लाइन एंड द फोर्स इज प्रोड्यूस। यहाँ पे एक फोर्स, जैसे जैसे हमारा थिन फिलामेंट जो है वो एम लाइन की तरफ मूव करेगा तो वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। दैट इज शॉर्टन द सैक्रोमियर एंड देन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस प्रोसेस के बाद जो आई बैंड है, आई बैंड हमारा एक्टिन और थिन फिलामेंट में पाया जाता है, इसका लेंथ जो है वो रिड्यूस होने लगा, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एम लाइन के पास आने लगेगा तो इसके लेंथ में मतलब इसका लेंथ जो है वो रिड्यूस करने लगेगा। लेकिन जो ए बैंड है, ए बैंड हमारा मायोसिन और थिक फिलामेंट में पाया जाता है, उसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगी कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग। के बाद मायोसिन जो होगा वो हमारा रिलीज करेगा एडीपी और पीआई को, पीआई मींस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन उसके बाद जो हमारा न्यू एटीपी होगा वो आके मायोसिन से बाइंड कर लेगा तो जो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन रहेगा वो टूट जाएगा। उसके बाद मायोसिन जो रहेगा वो हमारा रिलैक्स कंडीशन में वापस से आ जाएगा। ऐसे ही फर्दर साइकिल रिपीट करती रहती है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है।